हेलो एवरीवन, दिस इज शिरीन एंड आई वेलकम टू माय चैनल स्टडी एडिशनो। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसे कि आप लोग जानते हैं, आपकी इस पे यूपी टेट, सुपर टेट एंड केवीएस की क्लासेस स्टार्ट हो चुके हैं। तो जिसे भी गवर्नमेंट शिक्षक बनना है वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके लिए वही क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो भी क्लासेस हो चुकी हैं वो भी आप जाके देख लीजिए, क्योंकि वो क्लासेस भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए फिर आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ताल पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है। आपके ऑप्शन है सूक्ष्म जीवों और मछलियों पर, सूक्ष्म जीवों और प्राणी प्लवकों पर, मछलियों और सरीसृपों पर, या उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। ठीक है, देखिए जो ताल पारिस्थितिकी तंत्र है वो आपका निर्भर करता है उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर, यानी कि फोर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। ठीक है, अगर इनमें से एक भी चीज़ नहीं होगी तो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र के लिए उपभोक्ता और उत्पादक और उपभोक्ता दोनों का होना ज़रूरी है, इसलिए आपका फोर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? आपको बताना है जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वो आपका कहाँ पड़ता है। लखनऊ में पड़ता है, आगरा में पड़ता है, वाराणसी में पड़ता है, या कानपुर में। ठीक है, तो जो आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वो आपका लखनऊ में पड़ता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, लखनऊ। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है। और अगर आपसे पूछ लेते हैं लेदर टेक्नोलॉजी कहाँ पड़ता है, तो वो आपका पड़ता है कानपुर में। कौन सी टेक्नोलॉजी? लेदर टेक्नोलॉजी आपकी पड़ती है कानपुर में। और अगर आगरा में पूछ लेते तो वहाँ पर आपकी पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक सिटी पड़ती है। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक सिटी पड़ती है। तो तीनों आप याद रखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी आपको लखनऊ में पड़ता है, और कानपुर में पड़ता है लेदर टेक्नोलॉजी, और इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पड़ती है? आपकी आगरा में। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुमेलित नहीं? आपको बताना, जो आपके फोर ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। पलामू बाघ अभ्यारण्य झारखंड, इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़, गिर अभ्यारण्य गुजरात, या नागर होल बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर। ठीक, फोर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नागर होल बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, ये बोला इन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, पर ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता, बल्कि कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। ठीक है, ये आपका पड़ता है कर्नाटक में। ठीक है, और बाकी जो आपके दे रखे हैं, पलामू बाघ अभ्यारण्य यहाँ पर झारखंड में पड़ता है, इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये भी सही दे रखा है, और गिर अभ्यारण्य आपका गुजरात में पड़ता है, ये भी सही दे रखा है। पर आपका जो फोर ऑप्शन है नागर होल बाघ अभ्यारण्य, ये आपका मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता है, कर्नाटक में। तो आपसे यही पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो फोर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, ऊर्जा का पिरामिड होता है। ठीक है, आपको बताना है कि ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, सीधा बनता है, उल्टा बनता है, या अनियमित बनता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सीधा। ठीक, नेक्स्ट आपका है, मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस 1972 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? देखिए, जो मानव पर्यावरण कॉन्फ्रेंस 1972 में हुई थी उसका आयोजन कहाँ किया गया था? स्टॉकहोम में, पेरिस में, जिनेवा में, या ऑस्ट्रेलिया में? तो उसका आयोजन किया गया था आपका स्टॉकहोम में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, स्टॉकहोम। इसमें क्या था? इसमें जो है उन मुद्दों पर चर्चा की गई थी जो आपके पर्यावरण संरक्षण से संबंधित थी और जलवायु परिवर्तन से संबंधित थी। किससे संबंधित थी? पर्यावरण संरक्षण से और आपकी जो है जलवायु परिवर्तन से। ठीक है, जलवायु परिवर्तन से। ठीक, इस आयोजन जो है आपका 1972 में आयोजन हुआ था, उसमें कौन किस मुद्दों पर चर्चा की गई थी? तो पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन। और इसी आयोजन में आपकी जिखे जो हमारा क्या 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, इसी आयोजन में यह तय किया गया था कि 5 जून को हम जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट आपका है, मरुद्भिदों में लंबा मूलतंत्र होता है क्योंकि? आपको बताना है जो मरुद्भिदों में क्या है, लंबा मूलतंत्र होता है, किस वजह से? देखिए, जो मरुद्भिदों क्या होते हैं, मरुद्भिद पौधे जो होते हैं उसमें क्या है, ये आपके देखिए शुष्क प्रदेश में पाए जाते हैं, जहाँ पे क्या पानी कम होता है, बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, वहाँ पे ये पौधे पाए जाते हैं। और इसका जो मूल तंत्र होता है वो कैसा होता है? लंबा होता है। ठीक, वो इसलिए लंबा होता है कि वो पानी को गहराई से खींच सके। ठीक है,
तो आपके ऑप्शन है, ये पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करते हैं, गहरे जल स्त्रोत से जल अवशोषित करने हेतु जड़ें गहराई में चली जाती हैं, ठीक है। या फिर थर्ड ऑप्शन आपका है, मृदाओं का उच्च तापमान मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है, या फिर रात्रि के समय कम तापमान मूल वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, गहरे जल स्त्रोत से जल अवशोषित करने हेतु जड़ें गहराई में चली जाती हैं, ठीक है। इसका जो लंबा मूल तंत्र होता है, इससे क्या होता है, जड़ें जो है गहराई में चली जाती हैं, जिससे कि वो जल को अवशोषित कर सके, ठीक है, पानी को पा सके। तो आपका सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, ये सभी। तो आपके ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। जो आपके प्राकृतिक पर्यावरण में क्या, वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, ये सब क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। इसलिए आपके जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा, फोर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है, यह मार्बल कैंसर क्या है। आपको बताने मार्बल कैंसर क्या है। देखिए, जो हमारा ताजमहल है उसका जो मार्बल है वो पीला पड़ रहा है, ठीक है, इसे ही बोलते हैं तो मार्बल कैंसर बोलेंगे, ठीक है। पर आपको बताने कि किस वजह से हो रहा है कि इसका जो मार्बल है वो पीला क्यों पड़ रहा है। तो आपके ऑप्शन है, निकटस्थ उद्योगों से ताजमहल में धुआं भरना, ताजमहल के मार्बल में बड़ी संख्या में कवक लगना, या फिर अम्लीय वर्षा जो मार्बल का छिड़क करती हैं, या फिर कज्जल कणों के कारण मार्बल पीला होना, ठीक है। देखिए, पीला तो पड़ रहा है, पर किस वजह से पड़ रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का छरण कर रही है, ठीक है, मार्बल को खराब कर रही है। किस वजह से, अम्लीय वर्षा से जो है ताजमहल का जो मार्बल है वो खराब हो रहा है। अम्लीय वर्षा में क्या, जो अम्लीय वर्षा है उसमें क्या, CFC तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण ऐसा हो रहा है। किस वजह से हो रहा है, जो उसमें क्या है, CFC तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण ऐसा हो रहा है, के ऑक्साइड के कारण, ठीक है। याद रखिएगा कि जो आपका ताजमहल है उसका जो मार्बल पीला पड़ रहा है वो किस वजह से पड़ रहा है, अम्लीय वर्षा के कारण, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है, ठीक है। आपको बताना जो प्रकाश रसायन स्मॉग है ये किस क्रिया की वजह से बन रहा है। देखिए, ये जो आपका प्रकाश रसायन स्मॉग है ये क्या है, वातावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, ठीक है। ये आपका जो स्मॉग है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तो स्मोक और फॉग, ठीक है। तो इसको दोनों को मिलाने से क्या बना है, आपका स्मॉग। आपको बताना ये किस क्रिया का परिणाम है। आपके ऑप्शन है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, या फिर साय के समय नाइट्रोजन ऑक्साइड O3 तथा CO की उच्च आर्द्रता, या फिर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड O3 तथा पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, या फिर फोर ऑप्शन, लघु ताप पर CO, CO2 तथा NO2। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, ठीक है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में नाइट्रोजन ऑक्साइड O3 यानी कि ओजोन तथा पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट के क्रिया द्वारा आपका प्रकाश रसायन स्मॉग बन रहा है, जो कि वातावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी की मदद से जैव निम्नकरणीय उत्पाद को उपयोगी तत्वों में परिवर्तित किया जा सकता है। आपको बताना है किसका उपयोग करके हम जैव निम्नकरणीय उत्पाद को उपयोगी तत्वों में परिवर्तित कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है, जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, नाभिकीय प्रोटीन द्वारा, या रेडियोधर्मी तत्वों द्वारा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु द्वारा, ठीक है, जीवाणु आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि जो जीवाणु है वो आपका अपघटक की तरह ही कार्य करता है। तो जैव निर्गमन उत्पाद को जीवाणु के उपयोग द्वारा हम उपयोगी बना सकते हैं, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, जीवाणु द्वारा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है। आपको बताना है, हवा, जलधारा, ध्वनि और प्रकाश में किसका वेग अधिकतम होता है। तो आप देखिए, सबसे ज़्यादा वेग यानी कि सबसे अधिकतम वेग आपका प्रकाश का होता है, यानी कि फोर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, प्रकाश, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेते वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो होती है 3×10^8 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। देखिए, आपने देखा होगा जब बिजली चमकती है तो पहले हमको क्या प्रकाश दिखाई देता है, बाद में आवाज़ आती है ना, तो इसलिए क्योंकि प्रकाश का वेग ज़्यादा होता है, इसलिए हमको पहले प्रकाश दिखाई देता है, फिर उसकी आवाज़ सुनाई पड़ती है बिजली की, ठीक है।
तो अगर आपसे पूछ लेते हैं कि प्रकाश का वायु या निर्वात में प्रकाश चाल कितनी होती है, तो 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। और अगर आपके ध्वनि की चाल पूछ लेते हैं, ध्वनि की चाल तो ये आपकी होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। किसमें? निर्वात में। निर्वात में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड और जो है निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड, दोनों आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुनी अधिकतम दूरी तक देख सकते हैं, ये पक्षी हैं। आपको बताना है वे कौन से पक्षी हैं जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं, ठीक। आपके ऑप्शन है कौआ, चील, बुलबुल या फिर बाज, कबूतर, तोता, चील, बाज, गिद्ध या फाख्ता, कौआ, मोर, ठीक है। तो देखिए, जो हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकता है वो आपका है चील, बाज, गिद्ध, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, चील, बाज, गिद्ध, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जल जनित रोग है, आपको बताना है अतिसार, छोटी माता, रक्ताल्पता या मस्तिष्क ज्वर में कौन सा जल से रोग होता है, जल जनित रोग है, यानी कि जो प्रदूषित जल पीने से होता है, तो आपका वो राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, अतिसार, ठीक है। अतिसार और क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं डायरिया, ठीक है। ये किससे होता है, दूषित जल पीने से होता है, ठीक है। और आपकी जो छोटी माता है और आपका जो मस्तिष्क ज्वर है, ये विषाणु जनित रोग है। ये कौन सा जनित रोग है, ये विषाणु जनित, ठीक है, विषाणु जनित रोग है। और आपका जो रक्ताल्पता है, ठीक है, ये क्या, इसमें क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, इसमें क्या होता है, खून की कमी हो जाती है, और इसे ही बोलते हैं एनीमिया, ठीक है, एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। और ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो B6। नेक्स्ट आपका है, किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया विटामिन B6, विटामिन B1 या विटामिन डी या विटामिन ए, तो जो एनीमिया रोग होता है वो विटामिन B6 से होता है, ठीक है। इसकी कमी से आपको एनीमिया रोग हो जाता है, यानी कि खून की कमी हो जाती है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, विटामिन B6, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लेते हैं विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो पाइरिडॉक्सिन होता है, याद रखिएगा इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पाइरिडॉक्सिन होता है, ठीक है। इससे कौन सा रोग होता है, एनीमिया रोग होता है। और विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, ठीक है। और अगर आपसे पूछ रहे विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन, ठीक है, याद रखना है। चारों ऑप्शन आपको याद रखना, क्योंकि चारों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी, ठीक है। इसमें क्या होता है, रात में देखने की क्षमता कम हो जाती है, ठीक। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। और आपका जो विटामिन डी है, इससे क्या होता है, रिकेट्स, ठीक। और इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, रिकेट्स। आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है, आपको बताना है कौन सा देश सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ठीक है, जर्मनी, जापान, चीन या USA। तो सबसे बड़ा जो उत्पादक है सौर ऊर्जा का, सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, चीन। और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि कार्बन उत्सर्जन सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो वो आपका क्या, चीन करता है। चीन भी क्या है, सौर ऊर्जा का तो सबसे बड़ा उत्पादक है, पर ये क्या करता है, कार्बन का उत्सर्जन भी सबसे ज़्यादा चीन करता है, कार्बन उत्सर्जन, ठीक है, कार्बन उत्सर्जक सबसे ज्यादा कौन है, चीन। चलिए फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, सभी को जय हिंद, जय भारत।